क्या है ऑल इन वन पीसी, और ऑल इन वन पीसी ले या डेस्कटॉप ले या फिर लैपटॉप ले, ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं तो सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि यहां हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ऑल इन वन पीसी का। तो इससे पहले हम शुरू करें कि ऑल इन वन पीसी क्या है, आपको जानने की जरूरत है कि डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप तुम्हारा एक तरीके कंप्यूटर है जिसके सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सेपरेट होते हैं। सीपीयू अलग रखा है, मॉनिटर अलग रखा है, माउस है, कीबोर्ड, सब कुछ अलग अलग है। एंड समझ ही रहे हो तुम, तुमने डेस्कटॉप देखे राइट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों को एक एस्थेटिकली प्लीजिंग सा एक डेस्कटॉप चाहिए था। तो अब आविष्कार हुआ ऑल इन वन पीसी का। तो आप पूछोगे कि यार इसमें सीपीयू नहीं होता है क्या? होता है, बट वो सारे के सारे कंपोनेंट तुम्हारे मॉनिटर के अंदर ही रखे हुए थे रैदर देन एक अलग से कैबिनेट देने के। तो अगर आप एक ऑल इन वन पीसी बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कौन है, तभी तो तुम एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाओगे राइट। तो शुरू करते हैं इसके एडवांटेजेस यानी प्रोज के साथ। तो पहला पॉइंट है इसका कॉम्पैक्ट साइज। अब ये तो कोई भी आंख बंद करके बता देगा कि यार बहुत ही स्टाइलिश है, पूरा का पूरा एक कैबिनेट गायब है, इजंट इट, एंड हेंस साइज तो तुम देख ही पा रहे हो। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे यहाँ ग्रेट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले से क्या मतलब है, मतलब बड़ी स्क्रीन नहीं, डिस्प्ले की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट है। यानी कि Asus V222 अगर आप AIO लेते हो तो उसमें तुम्हें 27,000 में 100% sRGB का मॉनिटर मिलेगा, isn't it amazing? कहां तुम्हें लैपटॉप में सेम फीचर 60,000 पे जाने पर मिलता है। अब तीसरा पॉइंट है टच स्क्रीन। हाँ गाइज, AIO में भी टच स्क्रीन आती है, और अगर बात करें टच की तो ये एक तरीके से तुम्हारे AIO को एक लेवल अप करता है। तो आप पूछोगे टच वाला AIO तो महंगा आता होगा, नहीं। तो अब अगला पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि क्योंकि तुम्हारे इतने सारे सारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स नहीं लगे हैं तो एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात क्यों मानोगे, क्योंकि मेरे पास टैक्स है। तो अगर मैं बात करूँ असूस की तो उसकी 90 वॉट की कैपेसिटी है, वाइल अगर मैं BEE की रेटिंग उठाऊँ तो एक सबसे अच्छे डेस्कटॉप की पावर कंजम्पशन भी 148 वॉट होती है। तो तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं तुम्हारे वेब कैमरा की। तो हाँ, लैपटॉप की तरह इनमें भी वेब कैमरा आता है जो कि तुम्हारे डेस्कटॉप में नहीं आता। तो गाइज अगर तुम HP का AIO लेने वाले हो तो उसमें तुम्हें वेब कैमरा मिल जाएगा। और अगला पॉइंट है इसका वायरलेस कनेक्टिविटी, जो कि इसको एस्थेटिकली बहुत ही प्लीजिंग बनाती है, जो इसका वायरलेस कीबोर्ड और माउस आता है जो कि बहुत ही क्लासी लगता है। एक और पॉइंट, इनबिल्ट स्पीकर। कैन यू बिलीव दैट, ये AIO की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी आते हैं। अब कितने कंप्यूटर में तुम्हें इनबिल्ट स्पीकर मिलेगा? मैंने अपना जब पहली बार डेस्कटॉप लिया था मुझे 2 अलग से स्पीकर खरीदने पड़े थे, बट हियर दिस प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो गाइज इसमें तुम्हें टीवी ट्यूनर कार्ड भी मिलता है। अब जिन लोगों को टीवी ट्यूनर कार्ड नहीं पता, मैं बताता हूं कि आज से थोड़े टाइम पहले तुम्हें अगर टीवी चलाना है अपने कंप्यूटर में तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा कार्ड की नीड होती थी, जो केबल से आते थे ना टीवी, तो उस केस में तुम्हें टीवी ट्यूनर कार्ड लगता है, ठीक है। हाँ, अब आजकल HDMI केबल आने लग गई हैं तो इसकी नीड थोड़ी सी कम हो गई है, बट हाँ अगर तुम्हारे घर में आज भी केबल आता है गाइस तो यू आर सेटल्ड हेयर ऑल्सो। तो अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है लेस केबल्स। कभी कैबिनेट के पीछे देखा क्या जाल सा बना होता है? गाइज AIO में उसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको इतनी सारी केबल पास ऑन करने की। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ऑब्वियसली जितना कम सामान उतना ही ज्यादा आपको रिलोकेट करने में आसानी होगी, तो हेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये बेटर ऑल्टरनेटिव है। तो अब इतने सारे पॉइंट के बाद आप लोगों को लगा ऋषभ यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब AIO ही लेना चाहिए सबको राइट। हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुरी चीजें भी आती हैं, एंड हेंस तभी ये वीडियो एक होलिस्टिक वीडियो बनती है। तो अब बात करते हैं इसमें आने वाले इश्यूज के बारे में। तो इश्यू नंबर 1, परचेजिंग प्राइस। तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है ये तुम्हें, जस्टिफाइड भी है यार, तुम देख रहे हो कितने डेलिकेट कंपोनेंट्स डाले उन्होंने मॉनिटर के अंदर। तो पॉइंट नंबर 2, डिफिकल्ट रिपेयरिंग। अब क्योंकि ये इतना स्लिम और स्लीक बना है तो हर कोई इसको ठीक नहीं कर पाता। हाँ, अगर आपके घर के पास लैपटॉप की अच्छी दुकानें हैं तो वो उसको कर देंगी, सर्विस सेंटर तो हमेशा ही कर देंगे। हर घर के इंसान को ये AIO ठीक करना नहीं आता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना अपना CPU खुद ही असेंबल कर लेते हैं, वेल AIO के साथ वो सीन नहीं है। थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स। यानी कि अगर आप खुद असेंबल करना भी चाह रहे हो या फिर कोई पार्ट खराब हो गया और तुम खुद से उसको बदलना चाह भी रहे हो तो भी जल्दी से इसके पार्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि कंपनी देखो यार बहुत ही क्रूशियल पार्ट्स होते हैं, जल्दी से क्यों देगी, उनका वो पैसे कमाते हैं ना इसी सर्विस से, कि तुम्हें रिपेयर की सर्विस देके उनको थोड़े पैसे मिलेंगे, तो हैंस वो जल्दी से देने में थोड़ा हिचकिचाती भी है यार। तो अब बात करते हैं यार अगले पॉइंट की, विच इज नॉट फॉर गेमिंग।
तो बहुत ही सिंपल है। अगर लेट सपोज तुमने एक डेस्कटॉप आज बनाया विच इज नॉट मेंट फॉर गेमिंग, तो आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद तुम उसमें डेडिकेटेड जीपीयू डाल सकते हो, राइट? दैट इज अ पॉसिबिलिटी देयर। बट यहां पर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि इसमें उतना बड़ा मैकेनिज्म ही नहीं है। और अगर तुम पहले से भी लेना चाहो कि भाई मैं जाके पहले से ही ऑर्डर कर देता हूँ कि मुझे जीपीयू वाला एआईओ चाहिए, तो गाइज ऐसे बहुत ही कम एआईओ आते हैं मार्केट में एंड सस्ते प्राइस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं आते। अब अगला पॉइंट है तुम्हारा लॉन्गेविटी, तो बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि इसको तुम जल्दी से अपग्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ स्पैन थोड़ी सी कम हो जाती है, बट लुक्स में अभी भी सेक्सी लगता ही है। अब बात करें अगले पॉइंट की, वो है स्पेक्स। तो यार ऑब्वियसली अगर तुम मार्केट में जाओगे तो इसी प्राइस पॉइंट पे तुम्हें बेटर स्पेक्स मिलेंगे, जस्टिफाइड भी है यार। AIO तुम्हारा एक इनबिल्ट ऑल इन वन सॉल्यूशन है, वाइल अगर तुम मार्केट में जाओगे तो तुम समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक और पॉइंट विच इज कस्टमाइजेशन। अब देखो यार, क्योंकि AIO एक ग्रोइंग मार्केट है ना, तो उसके उतने वेरियंट्स अवेलेबल भी नहीं है। हर कंपनी 2-3 वेरियंट बना देती है, वाइल लैपटॉप्स में तो यार 40 से 45 में तुम्हें 5-6 वेरियंट मिल जाएंगे, तो AIO में थोड़ी कस्टमाइजेशन की कमी है अभी फिलहाल। तो अगला पॉइंट है हमारा पोर्ट्स। तो गाइज यहाँ पर हमें पोर्ट्स थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाया गया है। पोर्ट्स हैं, ठीक है, तुम्हें मॉनिटर के बैक में मिल जाएंगे, बट थोड़े से कम है कन्वेंशनल सीपीयू के मुकाबले हैं। अब देखो कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस होना ही था, ये चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ, जस्टिफाइड भी है यार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, UPS। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार UPS नहीं है तो अच्छा सा परफॉर्म करेगा, देखो कर देगा, बट इट्स बेटर टू हैव अ UPS। और तुम UPS अगर डाल देते हो तो फिर से वही बल्किनेस वाली फीलिंग तो आनी शुरू हो जाती है ना? तो मुद्दा क्या है, किस इंसान को रेकमेंड करूंगा मैं AIO? बहुत ही सिंपल है यार, अगर तुम्हें घर में बच्चों के लिए एक लैपटॉप चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप सोच रहे हो तो AIO इज अ गुड डील, ठीक है। बहुत ही क्रिस्पी शार्प इमेज मिलेगी तुम्हें, बच्चों के लिए बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है यार, उनकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अच्छे से काम करेगा। एक और पॉइंट, अगर तुम फ्लैट में रहते हो या फिर रेंट पे रहते हो और जल्दी शिफ्ट करना होता है, तो उस केस में भी AIO इज अ गुड डील अगेन। बट अगर तुम थोड़ा सा हैवी काम करने वाले हो तो आई विल से नहीं यार, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आर अ बेटर डील। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरीके से आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।